बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो यहाँ पर हम इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट कम्प्लीट करा दी गई थी, आज के इस वीडियो में हम यूनिट टू को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसमें आपका यूनिट टू का ये पार्ट वन है। पार्ट वन में लगभग आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से थे। चूँकि आपकी यूनिट काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लगभग 200-250 क्वेश्चंस हैं हर यूनिट्स में, तो टाइम की कमी की वजह से कुछ मॉक टेस्ट लाइक वीडियोज़ भी हम डाल दे रहे हैं। आप चूँकि चीज़ें वही हैं, आपके क्वेश्चन वही हैं, आंसर साथ में दिए हुए हैं, तो आप वीडियोस के माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड के पार्ट वन को शुरू कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 200 अबव क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में पार्ट वन में हम 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से, और इसके आपके चार पार्ट रहेंगे अगर हम बात करें यूनिट सेकेंड के। यूनिट सेकंड के आपके चार पार्ट में चार वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इन बीइंग ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर्स डे इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, आई एस आई मार्क कैन बी सीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, यहां पर नंबरिंग यहां पर थोड़ा मिसिंग है, इधर उधर हो गई है, ठीक है, तो आप परेशान ना होइए कि ये नंबर नहीं वो नंबर, नंबरिंग आप अपने हिसाब से भी अपने हिसाब से कंसिडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन COPRA वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, व्हेन वॉज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर फाइव का सी हो जाएगा, इन दिसंबर 2005। तो यहां पर साइड साइड में इनके आंसर दिए हैं, ठीक है, अगर बीच में आपको मॉक जो है टेस्ट की तरह चीज़ें मिलने लगे तो आप परेशान मत होइएगा। यूनिट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और चूंकि मुझे सुपर फास्ट रिवीजन के लिए कुछ मैटर तैयार करना है, तो यहाँ पर शुरुआती चीज़ें बताने के बाद हम मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फाइव हो गया। सिक्स देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर्स। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राइट टू, यहाँ पर दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ करके कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होना चाहिए था, ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका सिक्स का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन पूछा है, व्हेन डीडी यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सेवन का ए हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो यहाँ पर एट की बात करें तो आपका आंसर दिया है एट का, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स व्हेन दे आर चीटेड बाय शॉपकीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा है, व्हाट वॉज द नेम गिवेन टू द एजेंसी एट द ग्लोबल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर नाइन का जो है वो डी हो जाएगा, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर टेन की बात करें तो टेन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, COPRA, कॉपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर से दैट ही ऑब्लिक शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश विच ऑफ योर राइट इज बीइंग वायलेटेड बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा, राइट टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो पूछा है इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ नोन एज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो है आंसर नंबर बी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, करेक्ट आंसर 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 आपका 23 होगा, नंबरिंग इधर उधर हो गई है तो आप परेशान मत होइएगा। विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर एन आ बिस्कुट पैकेट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 24 यानी आपका ये 15 होगा, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कंसीडर कर लीजिएगा। फैक्टर्स विच केस द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी लिमिटेड एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, सी है फ्यू सेलर्स एंड लिमिटेड कॉम्पिटिशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, टू प्रोटेक्टेड themselves what do consumer need, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंज्यूमर अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विच मार्क शुड यू लुक फॉर वाइल बाइंग हनी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है नेम द कॉल टू विच अ कंज्यूमर कैन अप्रोच हैविंग अ क्लेम ऑफ रेस 40 लैक्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, द ऑर्गेनाइजेशन विच लेस डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इंडिया सेलिब्रेट्स 24th दिसंबर एस, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नेशनल कंज्यूमर्स डे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, अ केमिस्ट शोल्ड यू आर मेडिसिन ऑफ एक्सपायरी डेट अंडर विच कंज्यूमर राइट यू कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट, करेक्ट आंसर यहां पर ई हो जाएगा, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, द हेल्प द कंज्यूमर फाइनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज वी सेलिब्रेट द नेशनल कंज्यूमर्स डे, कौन सी डेट है जिस दिन आप नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ नोन एज, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, वन वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इन अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर पब्लिक सर्विसेस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए दिया है पोस्टल सर्विसेस या सर्विस। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, करेक्ट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा, अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट कैन सेटल क्लेम्स अप टू, करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु कैन सी इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एन इंडिविजुअल सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, नेम द एक्ट अंडर विच कंज्यूमर कोर्ट्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 40 पूछा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA वॉज इनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, द एक्ट विच वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 41 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 पूछा है, नेम द राइट अंडर विच अ कंज्यूमर कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय एनी प्रोडक्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, व्हेन वॉज इसरो, सॉरी आईएसओ दिया है मैंने, इसरो समझ लिया, आईएसओ सर्टिफिकेशन इस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखेंगे, 44 है, द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स गाइड द कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फिल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है 44 का बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी दिया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 का जो है वो सी हो जाएगा, कंज्यूमर फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, द एजेंसीज विच लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर पॉपुलरली कॉल्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कंज्यूमर कोर्ट्स, करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर सेज दैट ही ऑब्लिक शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश विच ऑफ योर राइट इज बीइंग वायलेटेड बाय द शॉपकीपर, तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइट टू चूज, ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसको अभी हमने इसे देखा था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर्स, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी आपका रेपिटेटिव क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ नोन एज, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द राइट टू सेफ्टी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर 49 का सी हो जाएगा, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2005, तो यहाँ पर 50 की बात करें, तो 50 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखेंगे, 51 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मार्केट प्लेस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर, तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी राइट टू बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कवर्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 53 का, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं, हु कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एन इंडिविजुअल सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA वॉज इनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 पूछा है, MRP ऑन आ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखेंगे, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल वॉज क्रिएटेड बाय, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, UN। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर ऑन आ बिस्कुट पैकेट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, फैक्टर्स विच काउज द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंज्यूमर,
तो यहाँ पर 59 की बात करें तो 59 का करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी ए बी सी और यहाँ पर डी जो कि दिया है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हाट डू कंज्यूमर्स नीड, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कंज्यूमर अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है विच मार्क शुड यू लुक फॉर वाइल बाइंग हनी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 दिया है नेम द कोर्ट टू विच अ कंज्यूमर कैन अप्रोच हैविंग अ क्लेम ऑफ रेस 40 लैक्स, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है द ऑर्गेनाइजेशन विच लेज डाउन स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 पूछा है द प्रोसेस इन विच द क्वालिटी ऑफ अ फूड सब्सटेंस इज लोवर्ड थ्रू द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इन कॉल्ड, सॉरी इस कॉल्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी दिया है आपका एडल्टरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। 65 दिया है व्हाट इज द एमलगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज आइडेंटिफाइड एस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 66 की बात करें तो 66 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीपल लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। 67 देखेंगे। विच इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन हिट बाय ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टॉय मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 पूछा है विच ऑफ दीस ऑर्गेनाइजेशंस इम्फेसाइज ऑन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सी दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखेंगे। 69 पूछा है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज कंसाइडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ट्रेड बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ MNCs, तो यहां पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टू इंक्रीज द एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है विच ऑफ दी ऑफ दीस इंस्टीट्यूट्स सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। व्हेन डिड द गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, सॉरी 76, नंबरिंग यहाँ पर इधर उधर है तो आप परेशान ना होना। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, विलियम ग्राहम सुमनर, ठीक है, विलियम ग्राहम सुमनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। हु इंट्रोड्यूस द जेनियोलॉजिकल मेथड किसने दिया, ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, WHR रिवर्स है।